13K सब्सक्राइबर पूरे हो गए, अगर मैं कहूँ तो सेकंड मोस्ट फेवरेट। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब भाई? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप भाइयों की सपोर्ट से और मोहब्बत से हमारे इसी चैनल पे 13K सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, और इसी वीडियो के नीचे आपने कमेंट करना है, और जैसे हमारा पिछला पैटर्न था उसी तरह हम इसी पैटर्न पे इसको चले के चलेंगे। ताकि अगली वीडियो में बताऊंगा मैं क्या गिवअवे कर रहा हूँ, मैंने कुछ एक स्पेशल सी चीज़ निकाली हुई है, तो वो अगली वीडियो में पता लगेगा। बाकी आज जिस फ्रेगरेंस के ऊपर डिस्कशन करनी है, यह है लाइट ब्लू इंटेंस बाय डॉल्जी गबाना। यार ये फ्रेगरेंस मुझे बहुत पसंद है। अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन शेयर करूँ, मुझे गर्मियों के अंदर मेरे ख्याल से अगर मैं कहूँ तो सेकंड मोस्ट फेवरेट या थर्ड मोस्ट फेवरेट तो गलत नहीं होगा, मेरी पर्सनल ओपिनियन है। मुझे इतनी अच्छी लगती है, हो सकता है बहुत से भाइयों को ये पसंद ना हो सकता है बहुत से भाई मेरे से इसी बात से इत्तफाक भी करते हो। यार मुझे क्यों पसंद है, दो वजह हैं जो मेन मेरे लिए हैं कि यार एक तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है अपनी लीग के अंदर, जिस मतलब इस तरह की टाइप की जितनी फ्रेगरेंसेज हैं उनमें ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, तो मेरे लिए ये गुड टू गो है एक तो परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। दूसरा यार मैंने इस टाइप की फ्रेगरेंसेज को चेक किया, या तो वो बहुत ही ज़रा एक्वेटिक की तरफ चली जाती हैं, नमकीन सी फीकी सी टोनों की तरफ चली जाती हैं, या बहुत ही इंटेंस और ज़रा मच्योर सी फ्रेगरेंसेज हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं में ना ज़रा या वो इस साइड पे या वो इस साइड पे नज़र आती हैं। ये एक फ्रेगरेंस ऐसी है जो कि बिल्कुल दोनों को लेके चली है और बड़ी बैलेंस अंदाज से लेके चली है, मुझे ये इस वजह से बहुत पसंद है। अब ये फ्रेगरेंस की मतलब आपको एक और बात बताऊँ, या तो होता ना कि बहुत मीठा हो गया, या कहते हैं कि बहुत खट्टा हो गया, एक जैसे खट्टा मीठा मिक्स नहीं होता, मुझे ये वैसी सी लगती है, ये मेरी राय है, ये मुझे ऐसे लगता है, मुझे बड़ा मजा करवाती है। अब इस फ्रेगरेंस के ऊपर बहुत से लोगों की ना मिक्स भी है, कहते हैं यार इसको फ्रेगरेंस को जब हम स्निफ करते हैं ना हमें एक अंडों की एक स्मेल सी महसूस होती है, तो यार ये हर बंदे की एक अपनी एक नोज है उसको उसमें से क्या पिक करती है। मुझे ऐसे नहीं लगा, मेरे बहुत से दोस्तों को ये ऐसे नहीं लगा, मैंने जिस दोस्त को भी ट्राई करवाया कहते यार हमने जो सुना था ना वो नहीं है। बाकी हो सकता है यार, अब मुझे एक मेरे दोस्त हैं बड़े प्यारे दोस्त हैं, मैं उनके साथ डिस्कशन कर रहा था, वो कहते यार मुझे किसी ने एक फ्रेगरेंस को एक्सपीरियंस करवाया तो वो मुझे फ्रेगरेंस ऐसे लगे कि जिस तरह ना मेरा भाई जो है ना वो कोई निमको का काम करता था दाल वगैरह का, तो वो उसमें से मुझे उसकी खुशबू आए, हो सकता है उसमें सिनेमन हो या स्पाइसी नोट हो, तो मुझे वो उस तरह की टोन को रिजेंबलेंस करवाए। तो हो सकता है यार अपनी अपनी राय है, अपना अपना हो सकता है कि उनको ये फील की जैसे वो इसकी फ्रेगरेंस की वजह से वो फील आता हो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मुझे ऐसे नहीं लगता, ये मेरी राय है। अब ये फ्रेगरेंस कैसी है, यह बहुत ही सिंपल, बहुत ही डिसेंट और बहुत ही एलिगेंट किस्म की फ्रेगरेंस है। अगर मैं ये कहूँ कि ये एक्वा डी जो परफ्यूमो की छोटी बहन है तो कहा जा सकता है, उसकी वजह ये कि अगर एक्वा डी जो में से परफ्यूमो में से अगर आप इंसेंसी और वुडी और वो स्ट्रेंथ उसमें से निकाल दिया जाए ना, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला फ्लेवर इस जैसे ही है, कमोबेश इस जैसे ही है, वो फील आता है, मुझे फील आता है, और मुझे इस तरह के कॉम्प्लीमेंट मिले भी हैं कि आज आपने परफ्यूमो लगाया मेरे एक दो दोस्त ने, तो ये कहा जा सकता है। एग्जैक्ट नहीं आता, लेकिन ये है कि वो रिमाइंड करवाती है, फील एक आता है कि यार ये वो चीज़ तो नहीं है। तो बाकी यार ओपनिंग सिट्रस बड़ी प्रॉपर प्यारी खूबसूरत किस्म की सिट्रस है, उसके बाद बेरीज टाइप का और एक्वेटिक प्रोमिनेंट टोन आता है, प्रोमिनेंट बेरीज के साथ एक्वेटिक, जो इसमें से खट्टा सा पन या एक वो जिसमें जो इसमें वो चुलबुला सा नहीं टोन होता, वो शुखी वाला जो टोन जिसे मैं कहता हूँ, ये जिस तरह एक वो एक पौधे के ऊपर एक वो फूल चमक रहा होता है और वो हवा में झूम रहा होता है, उस तरह का एक जो टोन आता है ना वो इसके अंदर ना मुझे वो बेरीज का और एक्वेटिक का बड़ा प्यारा कॉम्बो और बड़ा प्यारा बैलेंस लगता है, और वो बड़े मज़े का टोन देता है, बड़ा ही मज़े का टोन देता है, नमकीन के साथ एक वो जिस तरह एक वो समझ जाए यार मेरी बात, मेरे ख्याल से मैं अल्फाज नहीं मुझे समझ आ रहे, कन्फ्यूजन भी हो जाती है एक गर्मी। बाकी इसके अंदर जो वुडी स्ट्रक्चर है ना नीचे यार वो भी बहुत प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत के तरीके के साथ और बहुत ही बैलेंस किस्म का वुडी स्ट्रक्चर लेकर आए हैं, कमाल है, कमाल है। गर्मियों के अकॉर्डिंग मेरे लिए ये मेरी सेकेंड थर्ड मोस्ट फेवरेट फ्रेगरेंसेज में से एक है, अगेन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। बाकी यार इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, देखें इसकी सॉरी इसकी प्राइस भी पहले मैं भूल गया, डॉल्जी गबाना लाइट ब्लू इंटेंस इसकी प्राइस जो है वो अप्रॉक्सीमेट 12,500-13,000 रुपये के करीब इसकी प्राइस है।
प्राइस यार पहले कम हुआ करती थी, अब खैर मौसम भी है और दूसरा फिर ये हमारे यहाँ जो हमारी बैड गवर्नेंसेस की वजह से जो डॉलर की प्राइसेस हाई हो गई हैं फ्लक्चुएशन की वजह से वो रेट शेट ज़रा बढ़ गए हैं। तो तकरीबन 12,500-13,000 रुपये की रेट की लगी फ्रेगनेंस है। अभी गर्मी आ रही है, अभी काफ़ी चलती है, काफ़ी हाइप भी क्रिएट होती है इसकी और पिछले 2 सालों से मैं इसे लगातार देख रहा हूँ। तो बहरहाल प्राइस इसी प्राइस में मुझे जस्टिफाइड लगती है। अब इसकी परफॉर्मेंस कैसी है? यार परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ना ये गुड है, अपनी लीक की जितनी फ्रेगरेंसेज है ना गुड है। देखिए इस लीक के अंदर वर्साची पोरम भी है, उसके अलावा वर्साची यूफ्रेची भी है, उसके अलावा लाइट ब्लू इसका जो क्लासिक वर्जन है इसका, बल्कि एक फॉरएवर भी है, वो मैंने खैर ट्राई नहीं किया, वो मैंने ट्राई करना है इंशाल्लाह। उसके अलावा और बहुत सी फ्रेगरेंसेज हैं जिसना कूल वाटर टाइप, ये जितनी भी इस तरह की फ्रेगरेंसेज हैं उनमें ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। वो लीक तो यही है ना, कमोबेश प्राइसेज ऊपर नीचे हैं तो लीक यही है, तो उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करती है ये। लास्ट अगर आपने कपड़ों के ऊपर और अपनी बॉडी के ऊपर जिसने 3-4 स्प्रे कपड़ों पे किए हो और 3-4 आपने बॉडी के ऊपर स्प्रे किए हो तो ये कमोबेश एक दिन निकाल जाती है। उसके बाद लास्टिंग जो है ना, सॉरी परफॉर्मेंस, इसकी जो प्रोजेक्शन है प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग यार डिसेंट है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं करती लेकिन एक डिसेंट प्रोजेक्टर है, मतलब ये इस रेडियस के अंदर रहेगी, हल्के हल्के विब्स आपको खुद आएंगे, बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि आप गुजर जाएँ और आपके पीछे पीछे खुशबू के ट्रेल चलते हो, ऐसा नहीं है, ऐसा ये नेचर ही नहीं है। क्योंकि गर्मी देखिए आगे क्या बढ़ रही है कुछ इलाकों में, बल्कि मेरे यहाँ 47-48 हो जाता तो बस बस हुई भी होती, मेरा अपना बाहर निकलने को दिल नहीं कर रहा होता। तो कहने का मतलब हम नहीं चल रहे होते तो ये फ्रेगरेंसेस कैसे चलेंगे। लेकिन ये है कि ये इंडोर के लिए बेस्ट है, ऑफिस वेयर के लिए बेस्ट है, गर्मी के लिए तो ये हिट आइटम है, हिट आइटम है। बाकी ये मेरी ओपिनियन थी, मेरा एक्सपीरियंस था। आप भाइयों की क्या ओपिनियन है इस फ्रेगरेंस के ऊपर मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप में से बहुत से भाइयों ने इसको एक्सपीरियंस किया होगा। अगर वीडियो गेन अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा, और इसी वीडियो के नीचे आपने कमेंट करने हैं और वो कमेंट पिक किया जाएगा। आपको पैटर्न पता है, उस पैटर्न के ऊपर ही गिव अवे अगली वीडियो में अनाउंस करूंगा। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करें इस वीडियो के नीचे, बाकी अगेन अपनी ओपिनियन को शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।